Assalamualaikum, मैं हूँ दिल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंप्यूटर टेक टिप्स दिल टीवी। आज मैं आपके साथ एक और नई जॉब्स की अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको MCB बैंक जॉब 2021 इन ऑल ओवर पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तान में MCB बैंक की जॉब्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और सारी तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नेक्स्ट वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप पास पहुंच सके। ये देख सकते हैं मैंने एक वेबसाइट ओपन की जिसका नाम है जॉब सिक्सर। आपने ये वीडियो में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुँच सकते हैं जिस पेज पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलो आइए, तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देख सकते हैं हम MCB बैंक जॉब पाकिस्तान 2021 इन ऑल ओवर पाकिस्तान, जो इनकी डिटेल है वो आप यहाँ से पढ़ें। इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग, ये आपने पढ़ लेना है। मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, और भी बिल्कुल फ्री और भी ऑनलाइन। तो ये आप देख सकते हैं मेन चीज़ ये जिसमें आपने कौन सी आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो। पोजिशन से ये देखते हैं यूनाइटेड हेल्थ प्रोजेक्टर मैनेजमेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपने इसमें अप्लाई करना है। अगर यूनिट हेड बिजनेस एप्लीकेशन, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है इसमें अप्लाई करें। मेजर बिजनेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स और ये मेजर ADC प्रोजेक्ट और टेलर सर्विस ऑफिसर, ये इनकी पांच इन्होंने ये शोबे दिए हैं। इस जो जॉब्स में पांच शोबे आप जिसमें अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। जो इनका टेस्ट लेंगे वो लेंगे NTS वाले, इसका टेस्ट लेंगे, आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्टेड थ्रू इज द नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS पाकिस्तान। तो हाउ टू अप्लाई अभी आया था, आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने से पहले हम इसकी लास्ट डेट और ये देख सकते हैं अबाउट बैंक, इसके अबाउट जाना है। नेम MCB बैंक लिमिटेड, हेडक्वार्टर इसका लाहौर में, और ये फाउंडर एडमिज हाजी दाऊद, इसको छोड़ दीजिए अपने, ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ये नीचे आ जाएंगे, नीचे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो आपने पढ़ना नहीं है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च और ये 17 मार्च को जॉब लॉन्च की गई थी। तभी आए थे आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई MCB बैंक के 2021, तो आपने ये देख सकते हैं आपको क्लिक हर का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली क्लिक हर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हर पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद ये देख सकते हैं जो उधर उन्होंने पोजीशंस बताई थी वही करंट ओपनिंग्स जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं ये देख सकते हैं। मेजर DS प्रोजेक्ट्स, मेजर बिजनेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट और ये यूनिट हेड। तो अभी आपने जिसमें अप्लाई करना है तो सिंपली अप्लाई करने के लिए आपने जिसमें अप्लाई करना है तो ये साथ में ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है अप्लाई का, तो आपने सिंपली स्टेजन्स जिसमें अप्लाई करना है तो हम मेजर ADC प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं आपने इसे ओपन कर लेना है। मेजर ADC प्रोजेक्ट इंडस्ट्री जो है वो बैंकिंग, तो ये कैटेगरी अकाउंट फैसिंग एंड फैसिनिकल सर्विस। टोटल पोजीशन इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। जॉब टाइप फुल टाइम और जॉब लोकेशन जो है वो हैदराबाद है। जेंडर नो प्रेफरेंस, दो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, भले लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो। तो मिनिमम एजुकेशन वो होनी चाहिए बेचर्स एंड डिग्री टाइटल, उसके बाद IT का कोर्स ज़रूर होना चाहिए और केयर लेवल एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 4 साल होगा आपके पास। आपने सिंपली ये पढ़ने के बाद आपने सिंपली ये देख सकते हैं आप अप्लाई फॉर दिस जॉब जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी इन
साइन इन हुई है तो आपने सिंपली अपना ये जो सा कोड वगैरह है वो यहाँ दे देना। अगर आपके पास साइन इन नहीं हुई तो आपने सिंपली क्लिक हर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक कर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी देनी पड़ेगी। रजिस्टर करने के लिए कंसर्न इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आपने इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए हम पूरी डेटा में आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से इनकम है। यहाँ अपना नेम, यहाँ जो आपका द नेम, आपका नाम जैसे कि अदील अहमद है तो आपने पहले अदील अहमद लिखना है, और मिडिल नेम जो आपका है वो अहमद है तो आपने वो लिखना है। अहमद के बाद लास्ट नेम आपने यहाँ लिख देना है और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से हम मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही लगानी है, और कंट्री, और यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है जौन सी सिटी से आप अप्लाई करना, जैसे कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जौन सी सिटी से आप हो। तो यहाँ अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ अपना फ़ोन नंबर, यहाँ से ये देख सकते हैं फ़ोन नंबर, और यहाँ से आपने कोड सेलेक्ट कर लेना कौन सा है, 0300 पूरा है, 0301, ये सारे कोड इन्होंने दिए हुए हैं। कोड सेलेक्ट करने के बाद हमने ये कोड सेलेक्ट कर लिया, आगे आपने जो नंबर है वो दे देना है, और फिर यहाँ फॉर्म नंबर तो बेशक आप सेम दे सकते हैं। यहाँ आपने CNIC नंबर देना है अपना। CNIC नंबर देने के बाद आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन डिग्री लेवल सेलेक्ट कर लेनी है, जो सी आपने डिग्री की हो, या डिप्लोमा, शॉर्ट कोर्स, और ये PhD, और यहाँ से मुख्तलिफ डिग्रियों के नेम वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो सी आपने की हुई है। करने के बाद आपने ये देख सकते मेजर सब्जेक्ट, जो आपको मेजर सब्जेक्ट है वो यहाँ टाइप कर देना है, जैसे कि इंग्लिश हम टाइप कर देते हैं, आपने फिर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने इंस्टीट्यूशन कंप्लीमेशन ईयर्स, जब आपने ये डिग्री कंप्लीट की थी वो जहाँ से आपने की थी वो अपने टोटल, जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी सबके नेम आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद यहाँ से आपने ईयर सेलेक्ट करना है जो सी ईयर में मुकम्मल की थी। ईयर के करने के बाद आपने डू नॉट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई इशू नहीं है इस जॉब में। तो यहाँ से आपने प्रोफेशनल इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप नहीं भी सेलेक्ट करें तो यहाँ से आपने बैंकिंग, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देना है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, और यहाँ से फर्स्ट जॉब स्टार्ट डेट, यहाँ तो आप इसको नहीं भी देंगे सही थे। टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका कितना है, तो आपने वहाँ से कितने सालों का है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, 1-2, तो आपने जैसे ये सिलेक्ट कर लेना है 4, हमने एक्सपीरियंस 4 सालों का है प्रोफेशन कौन सा है आपका, और यहाँ से टोटल प्रोफेशन ये तो सिलेक्ट हो गया। यहाँ से पंचुएशनल एरिया, तो आपने अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है जौन से एरिया से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, और यहाँ से केयर लेवल, तो केयर लेवल में सेलेक्ट कर लेना है, एंट्री लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने जो जॉब्स का टाइटल है वो दे देना है, जो से आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं देख सकते हैं हमने अप्लाई किया है DCM न्यू मेजर प्रोजेक्टर में हमने जो अप्लाई किया, तो यहाँ से आपने उसका नेम दे देना है, ये देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं, मैंने दे दिए। देने के बाद जॉब पेयर का जो आपने सेलेक्ट कर लेना है जॉब का पेयर, और यहाँ से कंपनी नेम MCF, और यहाँ से कंट्री सिटी फिर सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने सिंपली अपनी जो पासपोर्ट साइज CV यहाँ से आपने अपलोड करनी है अपनी, ये देख सकते हैं अपलोड योर CV, आपने सिंपली अपनी यहाँ से CV अपलोड कर लेनी है। CV अपलोड करने के बाद CV अपलोड का ऑप्शन आपको मिला हुआ है, फिर आपने सिक्योरिटी कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम सारी तो पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये एक वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ से आपने बसेस सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आपने पार्किंग सेलेक्ट कर लेनी है, स्टार सेलेक्ट कर लेने आपने स्टार्स,
नेक्स्ट ये ट्रैफिक लाइट है मैं सेट करेंगे हाईलाइट करने के बाद ये देखिए आपका ये टिक का निशान आ चुका है। अभी आपने क्या करना है रिक्वायरमेंट फील्ड है और यहाँ से आपने सारी इंफॉर्मेशन इन करने के बाद यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। ये देख सकते हैं हमने इंफॉर्मेशन इन नहीं की इसलिए इन्होंने ये प्लीज़ सेलेक्ट योर डिग्री इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपने मुकम्मल इंफॉर्मेशन अपने इन करके यहाँ से सबमिट कर देना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए ताकि आपके भी दोस्त इस नौकरी से इस फ़ायदा उठा सकें।